गरीब परिवार की एक होनहार नाबालिग छात्रा जब स्कूल की फीस भरने के पैसे न जुटा सकी तो उसने मोबाइल फोन चोरी करके यह सोचकर गिरवी रख दिया कि पैसों का इंतजाम होने पर मोबाइल फोन मालिक को फिर लौटा देगी। उसकी परिस्थिति से द्रविड डिटेक्टिव एजेंसी के परिवार ने उसे माफ कर दिया। मन को छू लेने वाला और लॉकडाउन से गरीबों की बिगड़ी हालत को बयां करता यह किस्सा इंदौर सुदामा नगर के धीरज दुबे के यहाँ हुआ। गुरुवार दोपहर की दुबे का महंगा मोबाइल फोन घर से चोरी हो गया। डिटेक्टिव एजेंसी चलाने वाले दुबे को काफ़ी खोज के बाद भी फ़ोन नहीं मिला, जबकि उनका घर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहता है। घरेलू कामकाज करने वाली नाबालिग बच्ची को दुबे परिवार के सदस्य घर के बच्चों की तरह ही मानते हैं और उसे जानते भी थे। वह प्रतिभाशाली है, जिसे 11वीं में परीक्षा में 71% अंक मिले थे, इसलिए उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं कि वो चोरी कर सकती है। छात्र ने सच्चाई बयां की और कहा कि उसने सिर्फ स्कूल फीस भरने जितनी राशि के बदले फ़ोन गिरवी रखा था, जो पैसे आने पर वह वापस चुपचाप घर पर रख देती। मतलब 2 तारीख के दिन मोबाइल घर से चोरी हो गया था जी, और मोबाइल काफ़ी महंगा है, और उसमें जब अपन ने देखा कि घर पे अपने जिन कोई भी नहीं था जी। तो अपन ने अपने घर से सीसीटीवी कैमरे लगा ले कि कितने आने जाना है, क्योंकि अपना घर पूरा सीसीटीवी कैमरे से कवर है जी। तो फिर अपन ने आसपास के मतलब ये कैमरे टटोले और इसमें अपने को तो किसी पे भी पूरा पैसो और अपनी बढ़ गई कि नहीं यार, आखिर घर में से कहाँ जा सकता है। तो फिर वहाँ की उसमें अपने को शंका की सुई पूरी उस पर घूमी, पर वो बच्ची थी तो बच्ची का उसको पहले 4 घंटे अपन ने बुलाया घर पे और आराम से पहले ढूंढा तो वो दूसरे दिन काम पे नहीं। फिर उसको बड़ी मुश्किल से उसकी मदर से फादर से फ़ोन लगवाया तो वो घर पे आई। उनसे फिर अपन ने 4-5 घंटे कड़क मतलब उसको प्रबोलन भी दिया, लालच भी दिया और ये भी करा, बेटा हम तेरी मदद करेंगे, अभी घर के घर में है, परिवार में पुलिस कल से तुमसे ज़्यादा सख्ती से पेश आएगी। इस हिसाब से उससे पूछा तो वो बड़ी, उसका मोबाइल भी अपन ने जब्त कर लिया था, तो उसके मोबाइल में जो अपन ने एक दिन के जो पूरी दिन का जो जितने भी काल रिकॉर्ड थे वो अपन ने टटोले। सबसे अपन ने बात करी तो एक पकड़ में आ गया, उसमें उससे उनने सबसे ज़्यादा बार बात करी थी। उसको अपन ने बोला कि मिल गया तूने इसको बेचा है मोबाइल, तो वो उसने फिर तुरंत वो टूट गई और उसने जुर्म कबूल कर लिया और बता दिया उन्होंने कि हाँ मैंने किया है। तो बोले काय के लिए करा, तो उसने फिर बताया कि मेरे को स्कूल में मालकों ने स्कूल में फीस भरनी थी तो इसलिए मेरे पास कहीं पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था, तो मेरे को ये मैंने कहा मैं 2 दिन बाद रख दूँगी ऐसा उसका कहना। तो जब उसने फीस का बोला और ये मेरे हमने घटनाक्रम देखा तो हमारा परिवार पूरा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, बच्ची का आगे का भविष्य है, जीवन खराब नहीं हुए। फिर मेरे TI साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी हमने बात करी, नहीं करनी अपने को उनके ऊपर कोई केस नहीं करना है, तो वो हो गया है और बच्ची बहुत एक्टिव भी है, टैलेंटेड भी है, तो उसका चूँकि ये पहला अपराध है तो अपन ने उसको माफ़ कर दिया। मैंने लौटा द्वारकापुरी थाने गया था मैं, तो उन्होंने वहाँ पे TI साहब थे नहीं, तो बोले वो TI साहब आएंगे जब अपन ने आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। और मेरी CSP साहब से भी बात हुई थी, तो CSP साहब ने बोला कि आप द्वारकापुरी थाने जाइए, और मैंने सिटीजन का आप पे भी उसकी कंप्लेंट तो करी दी थी आर्टिकल्स उसमें, तो वो तो हो गई थी। और उस बीच ही इधर हमारी मतलब कार्रवाई भी चल रही थी उसको ढूंढने की, और इससे इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था और इससे पूछताछ भी चल रही थी। तो वो उस पीरियड में शाम तक जब तक वो बोले इधर में वो टूट गई थी, क्योंकि इससे अपन ने 12 से 4 बजे तक के बीच में पूछताछ करी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP, इंदौर।